वॉलीबॉल संघ के द्वारा मध्य प्रदेश वॉलीबॉल टीम के चुनाव के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उक्त ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतिभागियों को जिला और जिला के बाद संभाग और प्रदेश के लिए चुनाव होगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की प्रतियोगिता नरसिंहपुर जिले में आयोजित की गई है, जहां प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में दमखम दिखाना होगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश की टीम में चयन होगा। आयोजित खेल कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि टीम इंडिया में सिलेक्शन से पहले जिला, संभाग, प्रदेश की टीम का चुनाव होता है। मध्य प्रदेश की टीम का सिलेक्शन नरसिंहपुर में होगा। रीवा में रीवा जिले की टीम के सिलेक्शन के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। आइए दिखाते हैं आयोजित प्रतियोगिताओं के कुछ अंश और सुनाते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है। सर जो दुखने लगा स्माइल करते जो इंडिया टीम में सिलेक्शन होता है तो उसके पहले डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन होता है और डिस्ट्रिक्ट के बाद मध्य प्रदेश टीम का सिलेक्शन होता है। ये ओपन सीनियर टीम का महिला और पुलिस का सिलेक्शन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश टीम का सिलेक्शन होगा नरसिंहपुर जिले में, जिसका अपने ज़िले का सिलेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे टीआईएस कॉलेज में भी रखा है वॉलीबॉल संघ के द्वारा, और यहाँ से सेलेक्ट होकर टीम नरसिंह में मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप होगा, उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन कराएंगे बच्चों का। वहाँ पे मध्य प्रदेश की टीम का सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो नेशनल में बच्चे जाएंगे वो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्शन होगा। कब होनी है प्रतियोगिता? ये 16 से 19 जनवरी को होनी है नरसिंहपुर में, उसके लिए तैयारी। उसके बाद नेशनल का अभी डेट जब आएगी तो उसका डेट बता दिया जाएगा। कितनी सदस्य टीम यहाँ से चुनी जा रही है? यहाँ से अभी अपनी 2 बालक के और 2 लड़कियों के, माने कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट, तो 12 लड़के 12 लड़कियाँ एक टीम के और 12 लड़के 12 लड़कियाँ के, इस तरह सिलेक्शन होगा। और फिर वही मध्य प्रदेश टीम में जाएंगी तो वहाँ भी माने 2 टीम, माने 12 बालक के और 12 लड़कियों का। कब रवाना हो रहा है? ये 15 तारीख को यहाँ से जाएगी, 15 को शाम को नरसिंहपुर पहुँच जाएगी। जी रमेश सिंह कलचुरी मेरा नाम है, मैं जिला वॉलीबॉल संघ रीवा का अध्यक्ष हूँ।